माफिया मुख्तार अंसारी ही नहीं, उसके एमएलए बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच ने सोमवार को मऊ सदर से एमएलए और मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की आर्म्स केस में अग्रिम जमानत याचिका ठुकरा दी थी। मुख्तार के परिवार के 6 लोगों के खिलाफ इस समय 80 केस चल रहे हैं। बता दें कि मुख्तार अंसारी करीब 17 वर्षों से जेल में कैद हैं और इस दौरान कथित तौर पर जेल से ही अपना गैंग ऑपरेट को लेकर विवादों में रहा है। अगर वास्तविकता देखी जाए तो बीते 2 सालों से ही मुख्तार सजा काट रहा है। इससे पहले 15 वर्षों तक वो जेल में रहकर भी तमाम ऐशो आराम से जीता था। यहाँ तक कि उसने जेल में तालाब भी खुदवा दिया था। बीते 2 सालों में मुख्तार और उसके परिवारों के सदस्य कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें से 7 मामले मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं, 2 उसकी पत्नी आफशा के खिलाफ, 4 बड़े बेटे अब्बास पर, 2 मामले छोटे बेटे उमर पर और 2 मामले मुख्तार के 2 साले आतिफ रजा उर्फ शर्जील रजा और अनवर शहजाद पर भी दर्ज है। उमर अंसारी को छोड़कर अन्य सभी फरार बताए जा रहे हैं और कोर्ट ने इन सभी को भगोड़ा घोषित किया हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार अंसारी के खिलाफ कुल 59 केस दर्ज हैं, जिनमें से 20 केस तब दर्ज किए गए जब वह जेल में कैद था। इनमें से 4 हत्या के केस और 7 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हैं।